नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस वीडियो में मैं आपको चेतक प्रतियोगिता ददरी में संपन्न हुए हॉर्स रेस सेमीफाइनल राउंड 3 की वीडियो दिखा रहा हूं। घोड़े छूट चुके हैं, इस राउंड में भी 7 घोड़े थे और अभी आप देख रहे हैं कि आधा चक्र का खेल समाप्त हो चुका है। सवार गोरख की चाल बिगड़ रही है और वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चाल बिगड़ने की मैं बात कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इस राउंड में कोई एक ऐसा घोड़ा हो जिसकी चाल ना बिगड़ी हो। सवार हरे राम दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, बिहार का घोड़ा है। तीसरे स्थान पर शैलेश हैं और काले घोड़े से शंकर सिंह बवाली अमोद मुखिया के घोड़े से फाइट कर रहे हैं। सवार हीरा की चाल सबसे अच्छी इस मुझे पूरे इस राउंड में दिखी और आप भी उस चीज़ को पकड़ेंगे जब हीरा सवार आपको दिखेंगे। सवार अंबानी भी नया घोड़ा होने के वजह से पिछड़ते नजर आए। ददरी की फील्ड ऐसी है कि कोई नया घोड़ा लाकर और आप चीरे में उठा लें, ये बहुत ही मुश्किल का खेल मुझे अब समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ घोड़ा वही सेट है जो मुड़ते ही तुरंत अपनी स्पीड में बढ़त बना ले। जो घोड़ा थोड़ा सा भी टाइम लिया तो उसे पिछड़ना ही पिछड़ना है। कई सारे लोग, एक BS यादव हैं, लिखते हैं कि कमेंट कुछ उन्होंने किया कि नहीं नहीं राउंड ठीक थे, कभी घोड़ा लेकर आइए और दौड़ाइए तो पता चलेगा कि किस प्रकार के राउंड और सेमीफाइनल राउंडों में ग्रुप बनाने चाहिए, तब समझ में आएगा। बैठ के और सिर्फ फोटो और वीडियो देखने से कुछ समझ में नहीं आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अगर यहीं पे आप इन घोड़ों को देख रहे हैं, अगर चार चक्र का सेमीफाइनल बनाना था तो पहले चक्र में, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि एक राउंड में किसी में सवार हबीब और सवार राजेश को रख दिया जाता, दूसरे ग्रुप में सवार विकास और सवार टिगुरी को रखते, तीसरा ग्रुप पोंगा का रहता, उसके साथ वीरेंद्र सिंह लड़ जाते, चौथा ग्रुप सवार विकास का रहता और एक आध घोड़े रामबानी रहते। ऐसे 8 घोड़े अगर अलग अलग फाइट करते या सवार राजेश रहते तो और एक एक घोड़े उसमें डाल दिए जाते चारों ग्रुप में, तो मैं समझता हूँ कि 8 घोड़े वो निकल कर आते जिनकी एक पैर की कदमबाजी फाइनल के चक्र में नहीं बिगड़ती और जैसा मुकाबला आपने पीछे के साल देखा था वही मुकाबला यहाँ फिर से दोहराया जाता। जब तक अब आपने सेमीफाइनल चक्र की पहले राउंड की वीडियो देखी, ये मैंने तीसरे चक्र की वीडियो दिखा दी, अब आप देखकर समझ सकते हैं कि पहले और तीसरे में किस प्रकार के घोड़ों को रखा गया। अब इसमें से आप कौन सा घोड़ा लेते हैं? मेरे देखने में तो एक सवार हीरा यादव हैं जिनका घोड़ा इसमें अच्छी कदमबाजी करते हुए चला है, नहीं तो मैं नहीं समझता। सवार शैलेश भी कुछ ना कुछ घोड़ा अपना अच्छा दौड़ाए हैं लेकिन थोड़ी बहुत चाल बिगड़ी है। मैं सवार शैलेश के भी घोड़े को अच्छा मान सकता हूं लेकिन काफ़ी सारे घोड़ों की चाल टूटी है, लेकिन इसमें से अमोद मुखिया और सवार शैलेश वाले घोड़े को चुनकर और फाइनल राउंड के लिए आगे बढ़ाया गया। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ध्यानपूर्वक जब वीडियो को देखेंगे और घोड़ों को समझेंगे तभी खेल अच्छा बनेगा, ऐसे कोई खेल नहीं हो पाएगा।